होम आइसोलेशन कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम भी सेफ रहेंगे और हमारे परिवार में जो लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं, वो भी सेफ रहें। आइए समझते हैं होम आइसोलेट करने का सही तरीका। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अंडरटेकिंग साइन करके ही पेशेंट अपना इलाज घर पर शुरू कर सकता है। ध्यान रखें कि घर पर सेल्फ आइसोलेशन और परिवार को भी क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन में हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहन के रखना है, जिसको हर 8 घंटे या मास्क के गंदा या गीला हो जाने के बाद डिस्कार्ड कर देना है। अरे रुकिए, मास्क डिस्कार्ड करने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइंफेक्ट करना ना भूलें, नहीं तो संक्रमण से बचाने वाला ये मास्क वायरस को फैला सकता है। हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से सैनिटाइज करना है। ध्यान रखें कि पेशेंट घर के बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार किसी परिवार के सदस्य के कांटेक्ट में ना आए और अपने आइडेंटिफाइड रूम में ही रहे। पेशेंट के साथ एक केयर गिवर 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को अपडेट्स रेगुलरली देता रहे। पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या सैनिटाइज करना है। पेशेंट के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स, ट्रिपल लेयर मास्क पहनना और डिस्कार्ड करने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करने जैसी सभी सावधानियां बरतनी हैं। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पेशेंट से निकले ओरल या रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। काफ़ी कॉमन आइटम्स होती हैं, जैसे कि डोर नॉब हो गया, टेलीफोन हो गया, उसको वैसे ही न छुएं, उसको स्टेरिलियम से या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करें, और जो बर्तन होते हैं, जो कपड़े होते हैं धोने के, वो अलग से धोए जाएं, कि मरीज जो है आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे। पेशेंट होम आइसोलेशन को मौजूदा गवर्नमेंट डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार बंद कर सकता है। हाँ, यदि इस दौरान सांस लेने में कठिनाई, छाती पे दबाव या दर्द महसूस होना, होठों का नीला पड़ना, मानसिक भ्रम या खड़े होने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर को बताना चाहिए। केयर गिवर है, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें, चाहे वो उनको केयर की बात हो, खाने की बात हो, बाथरूम साफ करने की बात हो, या उनको मॉरल सपोर्ट करने की बात हो। सोशल सपोर्ट इस टाइम में बहुत बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी साथ साथ करने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से हम सब लोग अगर इकट्ठे जुट के ये काम करेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे।